And this is social studies class 3 and we are working on chapter number 2. Okay, so this is second video on this chapter today, and in the first video we have started the chapter changes in neighborhood and school, and the first point was changes in lifestyle. Okay, this was this, we have already discussed this. Now from today's video I am going to start from here, that is page number 12. Okay, page number 12, end of page number 12, changes in food. Now this part is really interesting for you. You will see what I mean to say on this. आप देखोगे कि इसमें क्या क्या आने वाला है, चेंजेस इन फूड. यानी कि इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल एंड हाउ द टाइम हैज चेंज फ्रॉम द ओल्डन टाइम, पुराने समय से आज के समय में क्या चेंजेस हुए हैं, व्हाट न्यू थिंग्स हैव कम इन द मार्केट एंड ऑल, एवरीवन इज इंजॉइंग. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू actually I will discuss on two points, changes in food and changes in work. Work means workplace. Okay, here the adult people work. So first of all we will take this changes in food. There is a drastic change in food choices all over the country. If we talk about our country, हम लोग अपने देश की बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत changes आ गए हैं eating habits में, और new food type of food has come in the market. And how it is being famous, किससे famous हुआ है and how easily you avail it. Okay, drastic means बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको कह सकते हैं बहुत drastic changes है ना, food choices all over the country, हमारी पूरी country में ही, all over country बहुत ही ज़बरदस्त changes आए हैं with globalization. I will tell you the meaning of globalization. I'm reading from here, this new page. Page number 13. I have come to page number 13. With globalization, several foreign brands entered in our market and altered our food choices. Globalization means anything which is spread worldwide. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो दुनिया भर में कोई some fashion, some food item, some company, that is means that has taken over the many countries of the world. That means globalization, यानी कि पूरी दुनिया में वो फैल गया. ठीक है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, वर्ल्ड वाइड. सो फॉरेन ब्रांड्स आ गए हैं बहुत सारे, जो कि हमारे देश के मार्केटों में भी, मार्केट्स में आ गए हैं, और जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों की फूड चॉइस जो है वो चेंज हो गई है. माने कि उनके खाने पीने के तरीके और उनकी जो चॉइस, उनकी पसंद जो है वो बदल गई है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू दैट इन द ओल्डन टाइम पीपल यूज टू ईट वेरी सिंपल फूड, मतलब सिंपल फूड लोग खा के जीते थे और सादा जीवन, उस विचार दे हैड दिस फीलिंग एंड दे यूज टू लिव लॉन्ग ऑल्सो, लंबे समय तक जीते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, वेजिटेरियंस स्पेशली. सो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज स्पेशली विद द न्यू जनरेशन लाइक यंग चिल्ड्रन ऑफ टूडे, लाइक यू ऑल्सो एंड मोर बिगर चिल्ड्रन फ्रॉम योर एज, दे हैव फूड चॉइसिस, न्यू फूड चॉइसिस एंड इवन द स्मॉल चिल्ड्रन डिमांड फॉर दैट, कि हमको पिज़्ज़ा खाना है, हमको आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, बर्गर खाना है, हमको चाउमीन खाना है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स है ना. तो क्या है लिखा है इसमें बुक में, एंटर्ड आवर मार्केट्स एंड ऑल्टर्ड आवर फूड चॉइसिस, KFCs एंड मैकडोनल्ड हैव बिकम ऑब्लिगेटरी. क्या है कि KFC, यू नो इट इज़, इट हैज़ इट्स ब्रांचेज ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में भी आ गया है, ये बाहर का है लेकिन वो इंडिया में आ गया है, और ऑलमोस्ट उन्होंने हर सिटी में अपना ब्रांचेज बना लिया है. मैकडोनल्ड, यू नो इट इज़ ऑल देयर इन द सिविलाइज एरिया, KFC इज़ देयर, मैकडोनल्ड इज़ देयर, इफ़ यू गेट ए चांस टू सी, दोनों हैं. ठीक है, ऑब्लिगेटरी मीन्स बाइंडिंग और कंपल्सरी, मतलब जैसे कंपल्सरी हो गया कि हाँ ये मार्केट में होना ही होना है, KFC की एक आउटलेट होना ही होना है, एक ब्रांच होना ही होना है, मैकडोनल्ड होना ही होना है. यू मस्ट हैव सीन मैकडोनल्ड इन द बिग बाज़ार,
सो इट इज़ कंपल्सरी, जैसे कि हाँ ये तो होना ही है टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, एंड एवरीबडी इज़ यूज टू, उसको पता है कि हाँ ये होना है और हमें इसमें से खाना है. चिल्ड्रन आर स्पेशली क्रेजी अबाउट इट. द ऑफिस लंच बॉक्सेस हैव बीन रिप्लेस विद 30 मिनट्स डिलीवरी फ्रॉम डोमिनोज. डोमिनोज इज अनदर थिंग. थर्ड कि अगर बाई चांस समबडी हु इज़ वर्किंग इन द ऑफिस हैज कुडंट टेक अवे द फूड और लंच पैकेट विद हिम और हर, सो दे हैव द चॉइस कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अगर नहीं बन पाया नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल एंड आई विल बुक एंड आई विल गेट इट विद इन 30 मिनट्स. लंच टाइम पे मुझे डोमिनोज का एक पिज्ज़ा मिल ही जाएगा, आई विल ईट इट एंड फिल अप माई स्टमक. दिस इज़ द थिंग. तो ये बहुत ईजी हो गया. सो पीपल डोंट केयर अबाउट द हाउस फूड, द फूड विच इज़ कुक्ड इन द हाउस, है ना, वो नहीं परवाह करते बिकॉज डोमिनो इज़ देयर, KFC इज़ देयर, मैकडोनल्ड इज़ देयर. वी हैव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग प्रोसेस्ड फूड. अब हम लोगों की आदत हो गई है कि हम लोग उस तरह का घर का बना हुआ खाना ना खाएं, बल्कि प्रोसेसिंग करके जो बनाया जाता है डिफरेंट प्रोसेस, ओवन में जैसे बना दिया, वो ट्रेडिशनल कुकिंग, फूड कुकिंग वाला सिस्टम हटा के जैसे इस तरह का कि फटाफट वो बन जाए और प्रोसेस फूड, ठीक है, उसको थोड़ी देर रखा जाए मसाले वसाले लगा के, उसके बाद उसको किसी भी तरह से ओवन में बना दिया जाए. तो इज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. दिस हैज़ कॉज्ड ग्रेट कंसर्न टू नेशनल हेल्थ. ऑफकोर्स पीपल इन्जॉय ईटिंग ऑल दिस, बट ये क्या करता है, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है. दिस इज़ ऑल कॉल्ड जंक फूड, जो KFC में मिलता है, मैकडोनल्ड में मिलता है, डोमिनोज में मिलता है, पिज्ज़ा बर्गर चाउमिन एंड ऑल दिस थ्री फिंगर चिप्स एंड ऑल सो मैनी थिंग्स ऑफ देम, ये सब जंक फूड कहलाता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. इट इज़ हैज़ इट हैज़ कॉज्ड ग्रेट कंसर्न टू और नेशनल हेल्थ, हमारे देश के लोगों के, स्पेशली चिल्ड्रन, यंग पीपल, बिकॉज व्हेन यू ईट, चिल्ड्रन आई लेट मी टेल यू, व्हेन यू ईट ऑल दीज आइटम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, समटाइम्स ऑफ एंड ऑन, समटाइम्स कभी कभी, वेरी रेयरली, इफ़ यू ईट इट देन इट्स ओके, बट इफ़ यू ईट इट रेगुलरली देन इट इज, इट कॉजेज ग्रेट हार्म टू योर हेल्थ. एक्चुअली दीज थिंग्स डोंट गेट स्पेशल एनी एनर्जी टू द बॉडी, बस सेटिस्फाई आपकी टेस्ट को सेटिस्फाई करती हैं और आपकी पेट को उस टाइम के लिए भर देती हैं. यू फील योर स्टमक इज फिल्ड विद दिस आइटम एंड यू फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन यू ईट ऑल दिस, बट दिस डजेंट कॉज एनी गुड बेनिफिट टू योर हेल्थ. द चिल्ड्रन हुड ईट ऑल दिस दे ऑलवेज बिकम इंटरनली वीक, अंदर से बीमार और कमज़ोर होते हैं इस तरह के बच्चे, दोज हू ईट जंक फूड. सो चिल्ड्रन इट इज़ माई एडवाइस टू यू दैट यू ईट, कभी कभी खाओ जंक फूड, समटाइम्स यू गो आउट टू घूमने जाते हैं पेरेंट्स के संग, देन यू कैन ईट आउटसाइड समटाइम, की बिग पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, फिंगर चिप्स खा ली, यू सी इट इज़ ऑल हियर. अब देख रहे हैं ना, फिंगर चिप्स हैं एंड दिस इज बर्गर, ओके, एंड हाउ नाइसली, हाउ हैप्पीली पीपल आर सिटिंग इन द रेस्टोरेंट एंड ईटिंग, यस KFC, यस ये KFC का सीन है, ओके, एंड हियर ऑल्सो वन पर्सन इज सिटिंग एंड ही इज ईटिंग लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही इज इंजॉइंग, ही इज लिकिंग हिज फिंगर्स, सो उंगली चाट रहा है वो, ही इज लिकिंग हिज फिंगर मीन्स ही इज उंगली चाट के खा रहा है खाना. So because people enjoy and become very happy when they go and sit in the KFC or McDonald's. I also sometimes go, but not frequently, very rarely. So we feel happy कि चलो आज फ्री है, थोड़ा सा बाहर खा रहे हैं, enjoy हो रहा है, थोड़ा सा mind fresh हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, this we have this sort of feeling, है ना. तो the changes in food, so children in this part we have studied that कि हमारी food habits में किस तरह के changes in the recent years आए हैं, ठीक है, ये आपका इसका ही पार्ट है कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है. वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट KFC, मैकडोनल्ड एंड डोमिनोज इन अ जनरल वे, बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस दैट चेंजेस इन द फूड हैबिट्स. वी मस्ट से फूड हैबिट्स में किस तरह के चेंजेस आए हैं इन द रिसेंट ईयर्स, और बहुत रैपिडली आए हैं, ड्रास्टिक चेंजेस, बड़ी तेज़ी से लोगों ने इनको फॉलो किया है. ओ वेरी हैप्पी, KFC की ब्रांच खुलने वाली है, वेरी हैप्पी, जैसे खुलेगी हम जाएंगे, खाएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, है ना. पीपल हैव दिस, पहले से वहाँ पे बोर्ड लग जाता है कि यहाँ पे मैकडोनल्ड की ब्रांच आने वाली है, ये डोमिनोज की आने वाली है,
सो एवरीबडी इज एक्सपेक्ट्स कि हाँ अरे बहुत जल्दी आए, हम जल्दी जल्दी इसको खाएंगे, वी विल एंजॉय. सो दिस इज़ द फीलिंग. बट द मेन कंसर्न इज दिस दैट दिस ये अच्छा बहुत लगता है, एंजॉयमेंट होता है. वी गो आउट, वी ईट आउटसाइड, वी फील वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स एंड एंटरटेन कि हाँ आज एंटरटेनमेंट अच्छा हो गया, वी हैव इटन आउटसाइड, है ना, घर का खाना नहीं खाना पड़ा, बहुत अच्छा लगा. बट दिस कॉजेज हेल्थ हैजर्ड्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ आइटम्स डज नॉट गिव प्रॉपर नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स. ओके, नरिशमेंट नहीं मिलता बॉडी को इनसे, ओनली इट इज जस्ट फॉर टेस्ट. बस टेस्ट मिल जाता है टू योर टंग, इट गिव्स टेस्ट टू योर टंग बट नॉट इट इज़ बेनिफिशियरी फॉर योर हेल्थ. ओके, सो चिल्ड्रेन नाउ सी द सेकेंड पॉइंट विच वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस. चेंजेस इन वर्क, कामों में वर्क प्लेस पे किस तरह के चेंजेस आए हैं, दिस वी हैव टू सी. And as you can see that more and more ladies are now working the big jobs which in the old time were handled by the male members, now ladies are handling. तो ये change है, that is one of the big changes. कि even आजकल तो aircraft भी they are flying as they are working as pilot also in the air force and in the commercial pilots as they are ladies are working as. I am just giving you an example कि अब तो जहाज हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं लेडीज़, जो पहले कभी नहीं उड़ाती थी. ठीक है, उड़ाना मीन्स वर्किंग एज ए पायलट हु ऑपरेट्स द एरोप्लेन, आइदर इट इज़ अ एरोप्लेन इन द एयरफोर्स और सम अदर कमर्शियल, मीन्स कि जो जिसमें कि पीपल कमर्शियल मीन्स जिसमें कि लोग फ्लाई करते हैं टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे बॉम्बे से यहाँ से बॉम्बे जाना है तो जो फ्लाइट जा रही है दैट विल बी ए कमर्शियल फ्लाइट, वो एयरफोर्स के लिए नहीं जा रही है, वो कमर्शियल है माना. ठीक है, सो चेंजेस क्या है, दिस इज़ आई वॉज जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन. आई गिव यू एग्जाम्पल्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स. ठीक है, चेंजेस इन वर्क, नाउ लेट अस सी व्हाट ऑल इज देयर इन दिस पॉइंट. द ट्रेडिशनल वर्क पैटर्न ऑफ ए 9 to 5 फुल टाइम जॉब नो लॉन्गर अप्लाइज टू मैनी वर्कर्स. पहले ये था कि हर ऑफिस में हर उसमें एवरीवेयर टाइमिंग्स वर 9 to 5, 9 to 5 सबको करना ही होता था, है ना. सो अब चेंज हो गया है. ठीक है, अब चेंज हो गया है विद द हेल्प ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो. कि होता है कि जिस काम को लोग देर तक बैठ के अपने ऐसे मैनुअल उस पर करते रहते थे, दे कैन फिनिश दैट मच वर्क विद द हेल्प ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इन फ्यू आवर्स. तो कहीं कहीं वर्किंग आवर्स भी कम हुए हैं. एंड मोर ओवर आवर चेंजिंग वर्क पैटर्न्स प्रोवाइड फ्लैक्सीबल वर्किंग कंडीशन इन मैनी पीपल्स लाइफ. फ्लैक्सीबल कंडीशन हो गई हैं, मैंने ये कि जैसे ऑफकोर्स आई कैन से जैसे कि अभी हियर इन दिस टाइम लॉकडाउन में और इसमें करोना के टाइम में सो मैनी ऑफिस, सो मैनी इंस्टीट्यूशन, सो मैनी सो मच वर्क टाइप ऑफ वर्क विच इज़ पॉसिबल टू हैंडल फ्रॉम द होम, है ना, इज़ बींग डन ऑनलाइन, जिसको हम लोग कहते हैं ना, इवन यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, दिस इज़ ऑल ड्यू टू द टेक्नोलॉजी ओनली. ओके, सो फ्लैक्सीबल कंडीशंस हो गई, यानी कि आप इजिली यू कैन एनी थिंग कैन बी डन विद द स्टेइंग एट होम एंड डिसाइड दैट वर्क कैन बी डन. आउटसोर्सिंग इज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन आवर वर्क. ओके, आउटसोर्सिंग मीन्स गोइंग आउट टू ऑफ लिमिटेड सोर्सेज. पहले लिमिटेड सोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे और अब वो सोर्सेज जो है वो ज़्यादा हो गए हैं. ठीक है, तो आउटसोर्सिंग हो गई, यानी सोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं. सिग्निफिकेंट चेंज इन आवर, इसी की वजह से बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया वर्क में, वर्क स्टाइल में, हम लोगों के काम के तरीकों में, स्पेशली वर्क प्लेसेज इन द होम्स, बैंक्स, कंपनीज, बिग कंपनीज. सो उसमें बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड हो गए हैं. ठीक है, द वर्क पैटर्न्स हैव बिकम मोर फैमिली फ्रेंडली. आई विल गो टू दिस लाइन, फैमिली फ्रेंडली ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. यस, एक और चेंज यही आया, आई टोल्ड यू दैट जो
वर्किंग पैटर्न जो है वो फैमिली फ्रेंडली बन गए हैं, बिकॉज दे आर डन बाय द पार्टिसिपेंट, दे आर डन विद द हेल्प ऑफ द फीमेल्स. मोस्ट ऑफ द जॉब्स फीमेल्स आर हैंडलिंग, तो वो फैमिली फ्रेंडली हो गई, यानी कि बच्चों के लिए स्पेशली. एंड ऑल फीमेल्स हैव आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स एवरीवेयर. यू कैन सी व्हेन यू गो टू इन द बैंक यू विल सी फीमेल वर्कर्स, देन इन द कंपनीज ऑल्सो इवन सम लेडीज आर वर्किंग एज इंजीनियर्स ऑल्सो. द फील्ड्स विच वर विच द मैन ओनली वर डूइंग फ्यू ईयर्स बैक आर हैंडल्ड आर डन बाई लेडीज नाउ, एंड दे आर डूइंग इट इफिशियंटली, अच्छे से कर रही हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो लेडी हैं तो वो कम काम कर रही हैं या उनका काम उतना अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. दे आर वर्किंग इफिशियंटली, हैंडलिंग एवरीथिंग वेरी इफिशियंटली, बिकॉज नोबडी कैन से कि फीमेल जो है उनका. आई एम जस्ट एक हल्की सी बात बोल रही हूँ, कोई मटर उसका नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए फीमेल. हाँ, सो मैनी थिंग्स एवरीवेयर इन ऑल द फील्ड, ऑलमोस्ट यू विल फाइंड लेडीज वर्किंग इन द ऑफिस, रेलवे, एट द रेलवे स्टेशन ऑल्सो, इन ऑल द दे आर हैंडलिंग वेरी नाइसली, बुकिंग ऑफ द रेलवे टिकट्स, बुकिंग ऑफ द एयर टिकट्स, एवरीवेयर. हाँ, प्लेन में तो लेडीज भी वर्क करती हैं, यू नो एज एयर होस्टेस, यू नो ये तो बहुत पहले से ही हो रहा था. और मेल क्रू मेंबर मीन्स हो सकते हैं जो पायलट और दूसरे को पायलट होते हैं वो में भी मेल, बट अब तो अब उसमें भी लेडीज आ गई हैं. तो दिस इज यू कैन सी, वी कैन सी दिस फोटोग्राफ दैट हाउ लेडीज आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, है ना. ये दिस लेडीज आर कंप्यूटर सिटिंग विद वन लाइन mostly all, and here also in the second picture all ladies. So this is the change in the work. Pehle in the olden time children almost 50 years 40 years back ladies itna working nahi hoti thi, they mostly most of the ladies were housewives only, wo ghar hi sambhalti thi bas khali. But now aaj ki jo modern ladies hain, young girls hain, they all want to because work, and they work, go out to work because they are educated, mostly educated, so they want to work. वो सोचते हैं कि when we have done so much studies, तो why shouldn't we work and earn money? So this is the thing, this change has taken place in our society, we can say, है ना, हमारे देश में, हमारे समाज में ये change आया है. Okay, so today in this video children, we have because the chapter is changes in neighborhood and school, तो neighborhood के संग संग society की भी हम बात करेंगे, कर रहे हैं इसमें. तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस चेंजेस इन फूड, ओके दिस वन, एंड चेंजेस इन वर्क और वर्क प्लेस वी कैन सी. सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू.